Good morning dear students, today we will do chapter 6 algebraic expression. Okay बेटा, हम इसकी worksheet 1 और 2 पहले कर चुके हैं. Today we will do worksheet 3. Let us do. बेटा question 1 है, find the product of the following binomials. ये हमें binomials दिए हुए हैं बेटा, इनका product निकालना है हमने. Okay बेटा, हमारे पहले वाली worksheet में क्या था, एक था monomial था, अब हमने इसको binomial को multiply करना है. लेट अस डू. देखो बेटा, पहले हम लिखेंगे 5x plus 3 and 2x plus 4. क्या करना है बेटा, पहले आप इसमें से एक टर्म उठाओगे, उसको इस सारे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो सेकंड टर्म है उसको लोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे, देन यू हैव टू जो भी साइन है, जैसे प्लस है माइनस है, वो करोगे. सबसे पहले आप 5x लिखोगे, ठीक है, इसको हमने इस सारे से मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. तो लिख दो 2x plus 4, ओके. यहाँ प्लस का साइन है क्योंकि 5x आ चुका है, अब प्लस का साइन है, देन यू हैव टू प्लस. नेक्स्ट ब्रैकेट लगा दो ताकि ये अलग हो जाए. नेक्स्ट 3 को फिर आप इन्हें इसके साथ करना है, इसको लिख दो. ठीक है बेटा, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, दोबारा समझ लो. आपने क्या करना है, पहले 5x को इस सारे से मल्टीप्लाई करना, लिख लिया हमने, फिर जो साइन है वो साइन पुट करो. सेकेंड टर्म को फिर इसके साथ लिख दो, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो डिजिट को डिजिट से, क्योंकि साइन तो है ही नहीं. 5 × 2 = 10 एंड एक्स एक्स स्क्वायर, देन प्लस 5 × 4 = 20x, ओके. उसके बाद प्लस, फिर 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 4 = 12, ओके. देन प्लस कर दो 10x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6x प्लस 12. नाउ लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दो, एक्स स्क्वायर कोई भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 20 × 6 = 26x, क्योंकि दोनों x है, एंड प्लस 12, एंड क्वेश्चन इज कंप्लीट. दोबारा समझ लो बेटा, गिवन है 5x plus 3, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2x plus 4, ओके बेटा. देन टेक द फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई इट विद द सेकंड एक्सप्रेशन, 5x 2x plus 4, देन प्लस सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड टर्म लोगे और ये एक्सप्रेशन, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 = 10 xx स्क्वायर, 5 × 4 = 20x प्लस 3 × 2 = 6x, 3 × 4 = 12, 10x 20x 6x 12, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन एज इट इज ही रहेंगे. 10x स्क्वायर प्लस 20 × 6 = 26 + 12, ओके. लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन बेटा, गिवन है 2/5 a प्लस बी, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद a स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर, ओके. राइट डाउन 2/5 a, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरी टर्म से, ए स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर. उसके बाद प्लस प्लस, नेक्स्ट बी, बी को किससे करना है हमने, ए स्क्वायर माइनस 1/5 b स्क्वायर, ओके. अब थर्ड स्टेप क्या था बेटा, मल्टीप्लाई कर दो. देखो 2/5 और यहाँ 1 है, तो 2/5 को यदि मैं 1 से करूंगी, देन आई गेट 2/5, एंड ए 1 और ए स्क्वायर है जो मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा, तो क्या पावर प्लस हो जाती है, तो ए की पावर कितनी बन गई है, 3. माइनस का साइन एज इट इज. अब देखो 2/5 है और ये 1/5 है. मैंने आपको क्या कहा था, जब फ्रैक्शन होते हैं तो आप रफ में करके देखोगे, 2/5 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/5 से. देखो 2 × 1 = कोई भी कट नहीं हो रहा, तो 2 × 1 = 2, 5 × 5 = 25. तो क्या आ गया बेटा यहाँ पर, 2 × 1 = 2 एंड 5 × 5 = 25, और ए बी स्क्वायर, ओके. प्लस बी और ए को ए स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी माइनस 1/5 × 1 = 1/5, बी यहाँ 1 है पावर और यहाँ पर बी का स्क्वायर है, तो 2 × 1 क्या बन गया, बी क्यूब. नेक्स्ट स्टेप, इनको अलग अलग कर दो, 2/5 a³ माइनस 2/25 ab² स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 1/5 b³. अब देखो कोई लाइक टर्म है, देखो ए क्यूब है, कोई भी नहीं है, ए बी स्क्वायर कोई भी नहीं है, ए स्क्वायर भी नहीं, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है. सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है, पहले वन टर्म को आप सारे से करोगे, फिर आप सेकेंड टर्म को सारे से करोगे, ओके. सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट. हमने वेरीफाई भी करके दिखाना है, पहले तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है बेटा और y की वैल्यू माइनस
1. Okay, let us do. Question is 2x square minus 5y. We have to multiply it with 5x plus 2y square. उसके बाद जो result आएगा बेटा उसमें हमने value put करनी. तो मैंने क्या बताया था, जो पहली टर्म है आप उसको लिखोगे, क्या लिखोगे, 2x square. किससे multiply करना है इसको, 5x plus 2y square. अब माइनस का साइन है देन माइनस ही लगाओगे आप, तो क्या अब आगे 5y, इसको किससे करना है, 5x plus 2y square. ठीक है, दोबारा देखो बेटा, 2x square है, इसको हमने इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन है देन वी हैव टू पुट माइनस, 5y को फिर इससे करना है. अब सोल्व कर दो, साइन नहीं है, अब डिजिट को करो, 2 5 जा 10, x square और x, x cube प्लस 2 2 जा 4, x square y square माइनस, माइनस है तो बेटा हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि जब बाहर माइनस होते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं. ओके, 5 5 जा 25xy प्लस 5 2 जा 10 y क्यूब. यहां से देखो अब 10x क्यूब प्लस 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस का बन जाएगा, क्यों, जब बाहर माइनस होता है बेटा ब्रैकेट से तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं. ये क्या आ गया, 25xy, ये प्लस है तो ये भी क्या बन गया, माइनस. ठीक है बेटा, अब देखो क्या कॉमन टर्म है, कोई एक्स क्यूब है, नहीं है कोई भी, एक्स स्क्र वाई स्क्र भी नहीं है, एक्स वाई भी नहीं है और वाई की क्यूब भी नहीं है. वैसे तो ये हमारा आंसर आ गया, बट उसने कहा वेरीफाई करना है, हमने वैल्यू पुट करनी है, क्या रखना है, एक्स की जगह हमने टू रखना है और वाई की जगह माइनस वन. तो जहां जहां पर भी एक्स है वी हैव टू पुट टू एंड ऑन द प्लेस ऑफ वाई वी हैव टू पुट माइनस वन. रखो टेन एज इट इज, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, टू, टू का क्यूब प्लस 4, एक्स स्क्र, एक्स का टू क्यूब, वाई, वाई कौन है बेटा, माइनस वन, इसका भी स्क्वेयर, माइनस 25 एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है, टू एंड माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस 10, वाई का क्यूब माइनस वन का क्यूब. दोबारा देख लो बेटा, मैंने क्या किया है, वैल्यू क्विट कर दी है एक्स और वाई की, 10 एज इट इज, एक्स की जगह टू रख दिया हमने, एक्स की जगह टू, वाई की जगह माइनस वन, एक्स के प्लेस पर टू, वाई के माइनस वन, वाई माइनस वन. ओके, नाउ सोल्व इट, 10 एज इट इज मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 है बेटा, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा, लिख लो यहां यदि आपको नहीं समझ आता तो, ठीक है, इसको ऐसे कर लो प्लस, अब इसको 4 और 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिख लो, ठीक है, और ये माइनस 1 की पावर 1 2 है तो आप माइनस 1 को 1 को कितनी बार भी करोगे तो इट ऑलवेज कम्स 1, और माइनस है, माइनस की पावर क्या बेटा, इवन है तो ये भी 1 ही आएगा. ठीक है, क्यों, मैंने क्या बताया था, यदि माइनस है और पावर इवन में है तो प्लस आएगा, यदि पावर ओड है तो क्या आएगा, माइनस आएगा. अब ये प्लस वन आ गया, अब यहां से माइनस, ये माइनस 25 टू जा 50, 51 जा 50, माइनस है, माइनस और माइनस क्या बन गया बेटा, प्लस, एंड 55 टू जा 50, क्योंकि वन से करेंगे तो 50 आएगा ना. अब इधर देखो माइनस और माइनस क्या बन गया, क्योंकि वन की पावर अब देखो यहां पर किस में है, ओड नंबर में है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस वन है और ये टेन माइनस के हैं तो माइनस माइनस बिकम प्लस एंड टेन वन जा टेन. अब इसको सॉल्व कर दो, ये हमने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ज्यादा था इसीलिए हमने लिख लिया था, टेन टू जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80 प्लस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 वन जा 16 प्लस 50 प्लस 10. अब सारे देखो प्लस के हैं तो प्लस कर दो, 0 6 0 6 8 एंड 1 9, 9 एंड 1 10 एंड 5 15 156. दोबारा देखो बेटा, मैंने क्या किया, पहले सॉल्व किया है देन आई हैव टू पुट द वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड वी गेट द आंसर. देखो बेटा, मैंने अब ये वैल्यू किसकी निकालनी है, जो हमारा प्रोडक्ट आया उसकी वैल्यू निकालनी है, बट उन्होंने कहा है वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई करना है. तो इसका मतलब क्या है बेटा, जब मैंने ये इसको सॉल्व करके जो आया था वो ये आ गया. अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू अपने क्वेश्चन में भी रखूंगी, यदि मेरा क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है और जो ये आंसर आ रहा है यदि ये सेम आते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या है, वेरीफाई है, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं है. तो देखो मैंने ये तो करके दिखा दिया, अब हम क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं. क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 5y, 5x प्लस 2y स्क्वायर. अब वैल्यू रखो, देखो 2 एज इट इज, x के प्लेस पर मैंने क्या रखना है बेटा, 2 माइनस 5, y के प्लेस पर माइनस 1,
यहाँ देखो 5x की जगह पर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई y के प्लेस पर माइनस 1, सॉल्व करो 2, 2 टू जा 4, माइनस माइनस और माइनस क्या बन गया बेटा, प्लस, क्योंकि देखो माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 5 बन जा 5, यहाँ देखो 5 टू जा 10, आगे क्यों नहीं करेंगे बेटा, प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अब देखो 2 बन जा 2 है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और ये माइनस का था लेकिन प्लस बन जाएगा, क्यों, पावर किस में है बेटा, इवन में है, तो 2 बन जा 2। अब यहां से सॉल्व करो 2 4 जा 8, 8 5 जा 2 4 जा 8 प्लस 5 10 और 2 12, 8 एंड 5 13 मल्टीप्लाई 12 करके देखो 12 3 जा 36, 3 12 बन जा 12 एंड 3 15, तो देखो 156 आ रहा है। जब मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया, क्वेश्चन जो हमें गिवन था जब मैं उसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, देन इट कम्स 156, और 156 ही हमारा जब सोल्व किया मैंने तो आ रहा है, तो दोनों साइड बराबर आ गई ना, तो आप क्या लिखोगे, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है बेटा। आपने दोनों तरफ से वेरीफाई करा के करके दिखाना है कि दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ओके क्वेश्चन है बेटा 0.1p प्लस 0.2q, 0.2q माइनस 0.1p, ओके बेटा, और p की वैल्यू है 10 एंड q की वैल्यू है 5। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही फर्स्ट टर्म लेंगे हम, फर्स्ट टर्म को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे से, 0.2q माइनस 0.2q माइनस 0.1p, प्लस का साइन है देन प्लस, फिर किसको करना है हमने 0.2q को किससे करना है हमने 0.2q माइनस 0.1p, ओके। अब इसको और इसको करो, देखो 0.1 और 0.2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ रफ में ऐसे लाइन लगाओगे 0.1 0.2, 2 बन जा 2 1 जा 2, आगे तो 0 0 आएंगी। अब मैंने क्या बताया था, जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स काउंट करते हैं कि कितने नंबर्स है, देखो 1 एंड 2, तो जो आंसर आया बेटा उसमें राइट साइड से 2 काउंट कर लो, 1 2, यहां से काउंट करना है बेटा राइट साइड से 1 2, यहां पर पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या बन गया बेटा हमारा 0.02, यहां लिख दो 0.02, जब मैं 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई कर रही हूं देन आई गेट 0.02, और P और इसके साथ कौन है Q, ओके बेटा। अब माइनस का साइन, अब माइनस का साइन लगा दो, अब 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करना, करो 0.1 0.1, 1 बन जा 1, उसके बाद 0 0 ही आएंगी, अब काउंट करो 1 2, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया 0.01, ठीक है। अब देखो ये P है और एक P ये है, P स्क्वायर, उसके बाद अब इसको करो 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करो, 0.2 0.2, 2 2 जा 4, 0 0, देखो 1 2 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया बेटा 0.04। क्यू और क्यू क्या बन गया, क्यू स्क्वायर माइनस, अभी 0.2 और 0.1 को हमने किया था, क्या रहा है 0.02, लिख दो 0.02, पी और क्यू, क्योंकि पी इसके साथ है और क्यू इसके साथ है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था बेटा, इनको इकट्ठा करना, 0.02 PQ माइनस 0.01 P² प्लस का साइन है तो बेटा अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज लिखा जाएगा, 0.04 Q² माइनस 0.02 PQ। अब देखो क्या इसमें कुछ कटता है, देखो PQ है और देखो PQ का है ये रहा, यस देखो अब सेम है 0.02 PQ और ये भी 0.02 PQ, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या हो गया बेटा आपस में कैंसल, जब टर्म सेम हो और साइन अपोजिट हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास आंसर आ गया है माइनस 0.01 P² प्लस 0.04 Q². अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना था बेटा, वैल्यू पुट करनी है किसकी, पी की और क्यू की, एक तो जो हमारा आंसर आया उसमें और एक हमारे क्वेश्चन में, करके देखो। अब आप इसको लिख ही लो ऐसे ही, 0.1 क्वेश्चन लिखो पहले, प्लस 0.2 Q, 0.2 Q माइनस 0.1 P, किसके बराबर आया बेटा ये हमारे पास, माइनस 0.01 P² प्लस 0.04 Q
क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, साइड बाय साइड कर लेंगे हम ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब वैल्यू को ऐड कर दो, 0.1 है, पी की वैल्यू क्या है बेटा 10 रख दी हमने। ठीक है, अब प्लस 0.2, क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 5। ओके, अब नेक्स्ट ये तो ये वाला सॉल्व किया ना मैंने, उसके बाद इधर वाली वैल्यू रखो 0.2, क्यू की वैल्यू क्या है हमारी 5, माइनस 0.1 और पी की वैल्यू क्या है 10। ये आ नहीं रहा बेटा नोटबुक पे तो मैं आगे करवाऊंगी, पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 0.1 को मैं 10 से करूंगी तो 10 बन जा, यहां पे करके देखो 0.1 को 10 से 10 बन जा 10। अब एक ही के बाद पॉइंट है ना बेटा, तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट के बाद जब जीरो होती है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो क्या आंसर आया 1। तो इसको करके 1 सॉल्व आया हमारे पास। अब प्लस 5 2 10, वही इसमें भी एक ही पॉइंट है तो यहां भी 1 रह गया। ओके, अब इधर से देखो 0.2 को 5 से करेंगे, 5 2 10 अभी हमने किया था, 5 2 10 तो 1 रह गया क्योंकि पॉइंट के बाद 0 थी तो वो कैंसिल होगी। अब माइनस 10 1 10 है, अभी हमने किया है तो ये भी 1 रह जाता है। ओके, अब देखो 1 और 1 क्या बन गया, 1 और 1 दोनों प्लस के ना तो 2 बन गया, और ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो क्या हो गए कैंसिल। तो क्वेश्चन को सोल्व करके मेरे पास क्या आया है 2। अब आंसर को सोल्व करके देखो, वहां स्पेस नहीं था, मैं दोबारा लिख देती हूँ, माइनस 0.01, पी की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 10 का स्क्वायर, प्लस 0.04, क्यू की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, माइनस 0.01, 10 10 जा 100, प्लस 0.04, 5 5 जा 25, 100 को जब हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा 100। अब देखो 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 25 4 जा 100। ठीक है, 25 4 जा 100, अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है सेम क्वेश्चन की तरह, करके देखते हैं बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं, ये क्या है 2x-3y, 3x+y + x+2y, x-y। बेटा इसमें क्या कर दिया आपने, इसने पहले आप इनको सोल्व करोगे, ठीक है, फिर इनको करोगे, फिर दोनों को प्लस कर दोगे, क्योंकि देखो यही वाले थे ना, ये वाला एक क्वेश्चन ये बन रहा है और ये नेक्स्ट, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया। ओके बेटा, थोड़ा लेंथी बनेगा लेकिन इजी है, करके देखो 2x-3y है, तो पहले मैंने क्या कहा था, आपने 2x को किससे मल्टीप्लाई करना है, आप इसको टर्म को भूल जाओ, पहले आप इसको सोल्व करो, 2x को किससे करना है बेटा 3x+y से, उसके बाद माइनस है, फिर आपने 3y को किससे करना है 3x+y से, ये हो गया। अब प्लस का निशान लगाओ, अब x को पहले इस सारे से करो, x को किससे करना है आपने x-y से, और उसके बाद कौन है हमारा 2y, प्लस का साइन लगाओगे, 2y को फिर किससे करना है आपने x-y से। ओके बेटा, अलग अलग लिखना है, पहले आपने इसको इस पूरे, क्योंकि प्लस का साइन आ गया ना तो आप इस टर्म को भूल जाओ, पहले आप इसको देखो 2x को 3x+y से कर दिया, फिर -3y को इससे कर दिया, अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको छेड़ो, x को x-y से, फिर 2y को x-y से, अब सोल्व करो, 2 3 जा 6x² प्लस 2 1 जा 2xy -3 3 जा 9xy। अब देखो माइनस था ना तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा बेटा माइनस, और 3 1 जा 3y1 और y1y² प्लस एक्स और x² प्लस माइनस बिकम्स माइनस x and y xy, प्लस 2y को x से करेंगे तो क्या आएगा 2xy, आगे पीछे हम लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, माइनस ये भी देखो 2 1 जा 2y और y y²। ओके, अब क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना, 6x² है कहीं, यस ये रहा, प्लस x², अब देखो y देखो क्योंकि स्केयर का चल रहा है ना, स्केयर वाला देखो कौन रहता है, यस ये रहा, -3y² और कहा है y² ये रहा, -2y². अब देखो xy वाले, प्लस 2xy-9xy-xy+2xy,
अब बेटा टर्म्स को काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस कंप्लीट है। अब इनको सोल्व करो, 6 और 1 क्या बन गया बेटा 7x2। अब ये देखो y स्क्वायर है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो साइन आएगा माइनस का, 3 and 2 5y2। अभी देखो 2xy है और ये प्लस के हैं और ये है माइनस के, तो पहले माइनस के देखो, 9 और 1 क्या बन गया 10 हो गया ना, माइनस के 10 में से प्लस के 4 चले गए, क्या रह गया 6k। दोबारा देखो बेटा माइनस वाले, देखो माइनस के 9 है और माइनस का 1 है, तो 9 और 1 क्या बन गया 10। ठीक है, तो क्या आप पहले इसी को लिख लो, माइनस के 10xy, और अब प्लस के देखो, प्लस के 2xy यहाँ है, प्लस के 2xy यहाँ है, 2 and 2 4 plus 4xy। अब इसको सोल्व कर दो, 7x² - 5y² 10 में से 4 जाएंगे 6 और आएंगे माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 6xy। ओके बेटा, और क्वेश्चन बिकम सोल्व। नेक्स्ट पार्ट करवा रही हूं बेटा मैं आपको, इसका फोर्थ पार्ट करवा रही हूं, P+Q P² - Q² + P - Q P² + Q² दोबारा देखो बेटा क्या दिया हुआ है, P+Q P² - Q² + P - Q P² + Q² पहले आपने P को इस सारी टर्म से करना है, आप इस टर्म को भूल जाओ, क्या करोगे P को क्या करना है आपने, P² - Q² से, अब प्लस Q, Q को करना है आपने P² - Q² से, अब प्लस, प्लस का साइन लगा दिया मैंने, ब्रैकेट क्यों लगाया बेटा, ताकि ये सेपरेट रहे, P को करना है आपने किससे, P² + Q² से, देन वी हैव टू पुट माइनस, अब Q को कर दो, Q को करना है P² + Q² से। ओके बेटा, अब सोल्ड करो, देखो P और P² तो 2 and 1 3, P की क्यूब माइनस P² + Q और P का क्या बनेगा बेटा, Q P² + - माइनस Q1 और Q2 क्या बन गया Q3 प्लस P और P² को करोगे क्या आएगा P³ प्लस P को Q² से करेंगे P² - Q P² अब देखो माइनस है ना, माइनस प्लस बिकम्स माइनस, Q और Q Q² का बन गया Q³। थर्ड स्टेप, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज लिख दो, P³ + PQ² - Q P² - Q³। अब इकट्ठा करो, P³ देखो कहीं और है P³, यस ये रहा P³ + PQ, और कहीं नहीं है, और देखो क्यूब वाला कौन है, ये रहे -Q³ - Q³। अब यहां से PQ² है -PQ² अब देखो PQ² कहाँ है, ये रहा PQ² लिख दो +PQ² अब यहां देखो ये रहा QP² और इधर ये रहा -QP² अब टर्म्स को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इट मीन्स कंप्लीट। अब सोल्व करो PQ दोनों प्लस के बेटा क्या बन गया 2PQ माइनस के हैं दोनों तो ये भी क्या बन गया -2PQ³। अभी देखो माइनस के PQ² है और प्लस का PQ² है, सेम क्वांटिटी है और साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गए। QP² है और यहाँ पर भी QP² है, प्लस है और माइनस है तो ये भी कैंसिल हो गए, आंसर बिकम्स 2PQ - 2QP³। ओके देखो बेटा गिवन है a² + b² - a² + b² - a² - b² - a² - b² क्या करोगे, पहले आप a² को इस सारे से करोगे फिर b² को करोगे, इसी तरह से यहाँ a² को फिर b² को करो, यहाँ क्या लिखोगे आप a² के साथ क्या लिखोगे a² + b² फिर +b² a² + b² माइनस है, ब्रैकेट लगा दोगे, a² को किससे करना है आपने a² - b² से, उसके बाद -b² a² - b² ओके बेटा। अब सोल्व करो, देखो a 2 एंड 2 क्या बन गया 4, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होते हैं बेटा प्लस होते हैं, 2 एंड 2 बिकम 4 + a² और b² क्या बन गया a² b²
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू, बी टू क्या बन गया बी की फोर पावर, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा हो गया। ए स्क्वायर को जब मैं ए स्क्वायर से करूंगी तो क्या आएगा ए फोर, माइनस का साइन है बेटा तो माइनस का ही आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके बेटा, अब माइनस है माइनस का साइन लगा दो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, बी टू एंड बी टू बिकम बी फोर। नेक्स्ट स्टेप ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी फोर, अब बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, माइनस ए फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस बी फोर, साइन चेंज हो गए। ओके नेक्स्ट में इकट्ठा करना है हमने ए फोर, है कहीं और ए फोर, यस ये रहा माइनस ए फोर, और कौन है बी फोर, ये रहा बी फोर, क्योंकि पहले हम पावर के अकॉर्डिंग, पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, पहले बड़ी फिर छोटा फिर छोटा, बी फोर आ गया। अब देखो ये रहा बी फोर एक और, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां भी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। टर्म को काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इधर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इट मीन्स कंप्लीट हो गया। देखो ए फोर प्लस माइनस कैंसल, बी फोर प्लस माइनस कैंसल, अभी देखो ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, हाउ मेनी फोर, तो आप क्या लिखोगे आंसर क्या बन गया फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके बेटा,